दिल्ली के नए सीएम आतिशी ने राजनीति में बहुत जल्दी वह पा लिया जो खुद उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बेटी आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने राजनीति करते करते अपना जीवन खपा दिया, लेकिन वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। मगर आतिशी ने विधायक से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर महज 4 साल में तय किया। आतिशी की राजनीति की ही तरह उनकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। 43 साल की आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। पिछले कुछ सालों में आतिशी आम आदमी पार्टी में संकट मोचक, कॉन्फिडेंट और बेखौफ नेता के तौर पर सामने आई थी। क्या आप जानते हैं कि उनके पति का नाम क्या है? कौन है उनके पति? क्या वह भी उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे? आतिशी के पति का नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए शख्स हैं, जो लाइम टाइम से दूर रहकर काम करते हैं। आतिशी को तो आम आदमी पार्टी की ओर से सियासत करते हुए कई साल हो गए, लेकिन इन सालों में भी उनके पति प्रवीण कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। प्रवीण कॉलेज के दिन से ही सामाजिक काम करते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आतिशी और प्रवीण सिंह की मुलाकात दिल्ली में हुई। प्रवीण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, लेकिन आतिशी और प्रवीण दोनों की मंजिल सामाजिक कार्य ही है। दोनों ने साथ में सामाजिक कार्य किए। आतिशी ने प्रवीण के साथ मिलकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में साल 2007 में आतिशी के संपर्क में आए। धीरे धीरे दोनों करीब आए और यह रिश्ता शादी में बदल गया। आतिशी और प्रवीण की शादी कुछ साल पहले ही हुई। वहीं अगर बात करें आतिशी की कुल संपत्ति की, तो दिल्ली की नई सीएम आतिशी की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 2020 में दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक आतिशी के पास 1.41 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसी के साथ उनके ऊपर कोई भी देनदारी नहीं है। उन्होंने इसका ब्यौरा 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में दिया। संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में है। हलफनामे के अनुसार उनके पास नगद में करीब 30,000 रुपए और बैंक डिपॉजिट FD के रूप में 1.22 करोड़ रुपए जमा है। इतनी संपत्ति के बावजूद आतिशी के नाम पर ना तो कोई खुद का मकान और ना ही कोई जमीन है। साल 2012 में भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन के समय राजनीति में एंट्री लेने वाली आतिशी आम आदमी पार्टी, साल 2019 में उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। इसके बाद साल 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से वह विधायक बनी।